नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी फिलहाल वर्ल्ड में चाइना और यूएस के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यूएसए वर्ल्ड में एक सुपर पावर है, चाइना कैसे ना कैसे करके यूएसए को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है, जबकि यूएस लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर और अपने अलाय कंट्रीज के साथ मिलकर कैसे न कैसे करके चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है। जबकि इंडिया की भी यही कोशिश है। इंडिया अपने नेबरहुड में और इवन इंडियन ओशन में नहीं चाहता कि चाइना का वर्चस्व बढ़े, मतलब इंडिया के इंटरेस्ट भी और यूएसए के इंटरेस्ट भी सेम पेज पर, दोनों चाहते हैं कि चाइना की बढ़ती पावर को रोका जाए। इसीलिए पिछले कुछ समय में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन देखो, जब से ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितताओं का माहौल है। ट्रंप के एक्शंस से देखो ये लगता है कि वास्तव में यूएसए अपने दोस्त कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करना चाहता भी है या नहीं है। क्या यूएसए के दोस्त कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जापान, साउथ कोरिया, इवन इंडिया भी, जिसके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए थे यूएसए के साथ पिछले कुछ समय में, ये सब कंट्रीज क्या यूएसए के ऊपर रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब अनसर्टेनिटीज के बीच इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया को संभल के चलना चाहिए। यूएसए के कारण इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्पॉइल नहीं कर सकता। चाइना देखो हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमें चाइना के साथ ही रहना है। याद कीजिए वाजपेयी की स्टेटमेंट, हम हमारे नेबर्स को नहीं बदल सकते। तो इस वजह से पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इंडिया अब एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले रहा है अपनी पॉलिसी में, अपनी रणनीति में। वो इंडिया जो कुछ समय पहले तक यूएसए के साथ खड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। याद कीजिए पिछले साल डोकलाम विवाद के बाद चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल गर्त पर पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद इस साल 27-28 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलते हैं और एक इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज होता है इंडिया और चाइना के बीच। 9 जून को फिर से मुलाकात होती है चाइना की पोर्ट सिटी किंगडाओ में। एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। मतलब पिछले कुछ समय में 3 से 4 मुलाकातें हुई हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच। यानी रिलेशंस जो पिछले साल बहुत खराब हो गए थे, रिलेशंस में अब इंप्रूवमेंट आई है। 1 जून को संग्रीला डायलॉग अटेंड करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि देखो इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश करना चाहता है। कैसे करेगा इंडिया अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश इंडो पैसिफिक रीजन में? आसियान कंट्रीज के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करके, चाइना के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करके, रशिया जैसे देशों के साथ कोर्डियल टाइज मेंटेन करके, और इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने इंटरेस्ट परस्यू करके, और सबसे लास्ट में यूएसए के साथ भी और ज़्यादा एंगेज करके, इन सब चीज़ों की सहायता से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, अपना इन्फ्लुएंस इस्टाब्लिश करेगा। ये साफ किया था प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संग्रीला डायलॉग की स्पीच में। तो इससे देखो एक बात जाहिर होती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो लोग गलत है जो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया है और यूएसए के साथ मिलके यूएसए की कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है और यूएसए के इशारों पर चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें गलत हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है, इंडिया अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है दूसरे कंट्रीज से डील करते वक्त, और इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, चाहे इंडिया चाइना के अगेंस्ट यूएसए के ग्रुप में शामिल हो या फिर ना हो, लेकिन इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़े, चाइना का वर्चस्व बढ़े, इंडिया के रिलेशंस
चाइना के साथ चाहे अच्छे हों या फिर बेकार हों, लेकिन ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है हमेशा कि चाइना का जो वर्चस्व है वो इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में नहीं बढ़ना चाहिए। मेन पॉइंट यहां पर ये है, इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस में था आता है, मतलब रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो भी राइवलरी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और चाइना के बीच चलती रहेगी अपनी अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। मेन तो देखो बात यहां पर इंडियन ओशन की है, लेकिन आजकल कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कैसे चाइना की क्या अप्रोच है, चाइना कैसे इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, और इंडिया की क्या अप्रोच है, इंडिया कैसे चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को रोकना चाहता है। चाइना की अप्रोच देखो साफ है, इंडो पैसिफिक रीजन के छोटे छोटे देशों को इन्वेस्टमेंट का लालच देके अपने पाले में खींचा जाए, और इसी वजह से चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। चाइना चाहता है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से जो कई सारे छोटे छोटे देश हैं उनके अंदर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि वो छोटे छोटे देश आगे जाके चाइना का साथ दें यूएसए के अगेंस्ट और इवन उन सब देशों के अगेंस्ट जो चाइना की बढ़ती पावर को रोकना चाहते हैं। और देखो चाइना की ये रणनीति काम भी कर रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास पैसों की भारी कमी है, वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप्ड है, तो उनको तो लगता है कि चाइना अगर हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो हमें फायदा होगा। इसी रणनीति की सहायता से साउथ चाइना सी में चाइना पूरी तरह से अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं कैसे। ये जो स्क्रीन पे आपको मैप दिख रहा है ये साउथ चाइना सी का मैप है, और जो ये लाल लाइन है इसके अंदर का जो एरिया है वो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमारा एरिया है, और इस एरिया के अंदर काफी सारे आइलैंड्स आते हैं जैसे स्पार्टले आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स, इन सब आइलैंड्स पर डिस्प्यूट है बाकी कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो अलग अलग आइलैंड्स पे अपना अपना हक जमाती हैं, कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता है ये एरिया, लेकिन चाइना उन्हें हवा भी नहीं लगने देता। 2013 में स्पार्टले आइलैंड्स को लेके फिलीपींस गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा फैसला आया 2016 में, रूलिंग आई थी चाइना के अगेंस्ट। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा कहा गया था कि कोई एविडेंस नहीं है कि स्पार्टले आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स या फिर ये जो लाल लाइन के अंदर जो एरिया है वो आपका है। रूलिंग चाइना के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी चाइना ने इस रूलिंग को मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने साफ तौर पर बोला हम नहीं मानते किसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। इसके बावजूद आसियान में भी इस इंटरनेशनल रूलिंग को लेकर चाइना का कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। वैसे देखो 2016 में जब आसियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस समय एक जॉइंट कम्युनिक साइन होना था, उस जॉइंट कम्युनिक में इस इंटरनेशनल रूलिंग के बारे में जिक्र किया जाना था, लेकिन कंबोडिया आसियान का एक मेंबर कंट्री है और कंबोडिया के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है कंबोडिया में, कंबोडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन एड देता है चाइना, तो आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं समझने के लिए कंबोडिया जो है वो चाइना का चेला है आसियान में। कंबोडिया ने साफ तौर पे इंकार कर दिया कि जॉइंट कम्युनिक में अगर इस इंटरनेशनल रूलिंग के बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो हम उस कम्युनिक को साइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से कंबोडिया के विरोध के चलते आसियान के द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया इस इंटरनेशनल रूलिंग के ऊपर। मतलब साउथ चाइना सी में चाइना अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर चुका है और कोई भी कंट्री चाइना के अगेंस्ट आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आप फिलीपींस का एग्जांपल ले लीजिए, 2016 से पहले फिलीपींस के रिलेशन काफी अच्छे थे यूएसए के साथ, फिलीपींस भी यूएसए का साथ दे रहा था चाइना को कंटेन करने में, लेकिन देखो जब से रोड्रिगो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से यूएसए के रिलेशंस फिलीपींस के साथ बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। क्योंकि देखो रोड्रिगो डोटरेटो जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं उनकी अपनी एक अलग ही अप्रोच है फिलीपींस में ड्रग्स के मैनेज को खत्म करने के लिए। वहां पे आरोप लगा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वायलेशन हुआ है फिलीपींस में। और यूएसए आपको पता है जिस भी देश में वैसे अपनी सुविधा के अनुसार आवाज उठाता है, लेकिन फिलीपींस में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ
उसके खिलाफ यूएसए के द्वारा आवाज उठाई गई। इससे फिलीपींस के राष्ट्रपति नाराज हो गए यूएसए से और फिलीपींस ने बोला कि यूएसए को छोड़ फिलीपींस जो है वो चाइना और रशिया के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। इवन फिलीपींस को हथियार परचेज करने थे यूएसए, लेकिन यूएसए के कांग्रेस में इस प्रपोजल पे रोक लगा दी, यानी इस प्रपोजल को रोक दिया गया। बाद में चाइना ने कहा आपको हथियार चाहिए, हम आपको हथियार मुहैया करवाएंगे। यानी फिलीपींस जो पहले यूएसए के पाले में था अब चाइना के पाले में जा चुका है। चलो ये तो हमने चाइना की रणनीति की बात कर ली, कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट की सहायता से और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके चाइना पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। इंडिया की रणनीति की बात करते हैं। इंडिया देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की सहायता से बायलेटरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बना के और मिलिट्री रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करके धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सहायता से बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत करके इंडिया चाइना का काउंटर कर सकता है, चाइना का सामना कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में? ऑफ कोर्स आंसर है नहीं कर सकता। हालांकि देखो आसियान के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ समय में, लेकिन आसियान के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत कम है चाइना के मुकाबले में। चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसियान कंट्रीज में इंडिया से 9 गुना ज़्यादा है। पॉइंट साफ है, देखो ये बात सही है कि आसियान के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कल्चरल एफिनिटी शेयर करते हैं आसियान के मेंबर कंट्रीज और इंडिया। इवन आसियान में इंडिया को एक सॉफ्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और जब से चाइना का इमर्जेंस हुआ है तो इंडिया के रिलेशंस आसियान के साथ और ज़्यादा मजबूत भी हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो चाइना का काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं है इस पूरे रीजन में। आसियान के अलावा और भी काफ़ी सारे देश, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ भी इंडिया ने रिलेशंस मजबूत किए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग इस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर देखो वास्तव में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का सामना करना है तो इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर को इफेक्टिवली यूज़ करना होगा ताकि चाइना के कैश का, चाइना के इन्वेस्टमेंट का, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना किया जा सके। अगर जल्द ही इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो चाइना का जो वर्चस्व है उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इवन हमारे आसपास देशों में भी, नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए, इन देशों में चाइना की जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका में श्रीलंका ने चाइना को दिया 99 ईयर्स के लिए लीज पे। इवन नेपाल में भी चाइना अपनी रेलवे नेटवर्क को पहुंचाना चाहता है। तो अभी तक हमने बात की इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच कोऑपरेशन के बारे में। अगर देखो इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, अगर इंडिया और चाइना साथ मिलकर काम करते हैं तो इंडिया अपने आस पड़ोस में छोटे छोटे देशों की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। नेपाल बार बार इंडिया को ब्लैकमेल करता है कि आप ये कीजिए नहीं तो हम चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, हमारी दोस्ती चाइना के साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यही काम श्रीलंका के द्वारा भी किया जाता है, मालदीव, ये सारे छोटे छोटे देश चाइना कार्ड प्ले करते हैं, मतलब इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं। अगर इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे होंगे तो इन छोटे छोटे देशों की ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाएगी। इसकी सहायता से इंडिया कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जाम्पल BBIN, बिम्स्टेक, इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में की सहायता से कनेक्टिविटी को इस पूरे रीजन में और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कैसे इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। एक आंसर है देखो BRI, चाइना चाहता है इंडिया BRI में शामिल हो, लेकिन इंडिया के सोवरेनिटी कंसर्न्स हैं। अगर चाइना कुछ रिलैक्सेशन देता है, मतलब अभी CPEC का जो रास्ता जम्मू एंड कश्मीर से होके गुजरता है अगर इस रास्ते को डाइवर्ट किया जाता है तो इंडिया BRI में शामिल हो सकता है, पार्टनरशिप को मजबूत बनाया जा सकता है। पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिले हैं। SCO समिट जब ऑर्गेनाइज हुआ तो चाइना और इंडिया ने उस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जिसमें चाइना हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर से जो संबंधित जो डेटा है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया में फ्लड्स को रोका जा सके। चाइना ने यह भी कहा कि इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी चाइना के पक्ष में है, वैसे ट्रेड सरप्लस और इंडिया की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है, उसे कम करने के लिए चाइना कुछ कंसेशंस देगा। तो ये सब बातें जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया किस प्रकार की रणनीति अपनाता है चाइना के अगेंस्ट। क्या इंडिया टकराव की रणनीति अपनाता है,
या फिर पार्टनरशिप की रणनीति अपनाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देखो कई प्रकार से आ सकता है। मान लीजिए यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की क्या अप्रोच है या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो जो कुछ हमने डिस्कस किया वो आप लिख सकते हो कि चाइना के साथ पार्टनरशिप एक अल्टरनेटिव है, या फिर चाइना का सामना किया जाए छोटे छोटे देशों के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बना के अपनी सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर को इफेक्टिवली यूज़ करके। वैसे आप क्वेश्चन का आंसर इंडियन ओशन को और पैसिफिक रीजन को अलग अलग करके भी दे सकते हो। देखो इंडियन ओशन में ट्रेडिशनली इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन फिलहाल चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इंडिया की जो पॉलिसी है इंडियन ओशन में वो नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी है। यानी इंडिया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि इंडियन ओशन में चाइना की डोमिनेंस बढ़े। जबकि पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो अप्रोच है वो जनरल है। इंडिया चाहता है पैसिफिक रीजन में पीस इस्टेब्लिश हो, स्टेबिलिटी आए, सी लेंस पे किसी एक देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। ये सब बातें बार बार इंडिया बोलता है और इशारा साफ तौर पर चाइना के अगेंस्ट होता है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, दोनों रीजन्स को अलग भी कर सकते हो, या फिर आज आर्टिकल में जो डिस्कस किया उस अप्रोच के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।